दोस्तों, सलार के ट्रेलर को देखने के बाद अनुपम खेर ने बहुत ही बड़ी बात बोल दी। अनुपम खेर सलार के ट्रेलर की तारीफ करते हुए कहते हैं, ये ट्रेलर नहीं आग है जो कि बॉक्स ऑफिस को जलाने आ रही है। इस बार जो तबाही साउथ की सलार मचाएगी उसको देखकर पूरा बॉलीवुड हिल जाएगा। सलार का ट्रेलर कमाल है और इसमें जो कुछ एक्शन मसाला प्रशांत नील ने दिखाया है उसको देखने के बाद मैं भी हैरान हूं और मैं भी सलार का बेसब्री से वेट कर रहा हूं। अनुपम खेर कहते हैं, मैंने भी आज से पहले इतना खतरनाक ट्रेलर नहीं देखा था और इस बार जो प्रभास अन्ना ने कमबैक किया है उसके बाद लगता है बाहुबली लौट आए हैं। प्रभास पर एक्शन काफी ज्यादा अच्छा लगता है और उनकी पर्सनालिटी एक्शन मूवीज बनाने के लिए ही बनी है। क्या जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी, बहुत ही अच्छा गेटअप और दो दोस्तों पर बनने वाला बहुत अच्छा यूनिवर्स और उसी के साथ KGF 2 का डायरेक्टर। इसका मतलब ये फुल एंटरटेनमेंट करने वाली मूवी बनेगी जिसको हर कोई देखने आएगा। इस बार बाहुबली के बाद प्रभास अरना 1000 करोड़ कमाने वाली मूवी लेकर आ रहे हैं जिसके रिकॉर्ड्स कोई भी तोड़ नहीं पाएगा और जितना सलार कमाएगी उतना आज से पहले किसी भी साउथ इंडस्ट्री की मूवी ने नहीं कमाया होगा। दोस्तों, इस बार आपको KGF 2 से भी बड़ा खतरनाक यूनिवर्स देखने को मिलेगा और प्रशांत नील की डायरेक्शन का तो हर कोई वाकुफ है। प्रशांत नील वो डायरेक्टर है जो फ्लॉप मूवी को भी सुपरहिट बना देते हैं और इस बार तो प्रभास अन्ना, पृथ्वीराज और प्रशांत नील तीनों ही खतरनाक एक्टर और डायरेक्टर एक साथ हैं। इसका मतलब सीधा है, तबाही का बवंडर सलार में प्रभास अन्ना को देवा का रोल दिया गया है जो कि पृथ्वीराज का दोस्त होता है। उसी के साथ और भी कहीं हमें लीडिंग कास्ट नजर आते हैं। आर्मी के भी काफी शानदार शूट देखने को मिलते हैं और इसमें जो शूटिंग की गई है, एक्शन की, VFX की और जो सिनेमा का एंगल है वो काफी अच्छे से दिखाया गया है। उसी के साथ एक डार्क एक्शन मूवी का एक्सपीरियंस होता है और ट्रेलर इतना ज्यादा खतरनाक है जिसको लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसमें जो कुछ दिखाया गया है वो हर एक सीन हमें खींचता है और हमें गूस बम्स देने के लिए मजबूर करता है। सीन इतने वायलेंस और खून खराबे से भरे हुए हैं जिसको देखकर रूह तक कांप जाती है। अब वो लोग कहीं भी नजर नहीं आ रहे जो आदि पुरुष के बाद प्रभास को फिलोप हीरो बता रहे थे। सलार ने ऐसा धमाका किया है जिसको सुनकर बॉलीवुड की नींदें उड़ गई है। अब डंकी हो या फिर कुछ और, सलार के सामने कोई नहीं टिक सकता। सलार का ट्रेलर हर किसी को पसंद आ गया है और इस ट्रेलर को काफी ज्यादा ओवरसीज में भी रेस्पॉन्स मिल गया है। आपको कितना पसंद आया सलार का ट्रेलर कमेंट में लाजमी बताना। अगर आप प्रभास अन्ना के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल मीम न्यूज को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सलार की सारी अपडेट मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी करना। धन्यवाद।